साक्षी का एक और चैट सामने आया है जो उसने अपनी दोस्त नीतू के साथ की थी। 6 मई को हुई इस चैट में साक्षी नीतू को कह रही थी कि उसके परिवार वालों ने उसे घर में बंद कर रखा है, फोन भी नहीं दिया जा रहा है। उसने नीतू से घर से भागने की बात भी कही थी। दरअसल साक्षी के परिवार को उसके और साहिल के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, इसीलिए साक्षी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। साक्षी ने नीतू को 2 वॉइस नोट्स भी भेजे थे जिसमें यही बात कही गई है। तो ये साक्षी और नीतू जो कि दोनों सहेलियां थी, और जिस समय हत्या हुई उस समय भी साक्षी नीतू के घर से ही बाजार जा रही हूं कहकर निकली थी। और साक्षी ने इस चैट में अपनी सहेली को कहा है कि मुझे मेरे घर वालों ने बंद कर रखा है, फोन भी नहीं देते हैं, मैं भाग जाऊंगी। तो नीतू और साक्षी के बीच ये जो चैट है ये 6 मई की है, वॉइस नोट्स भी हैं। तो साक्षी और नीतू की चैट से ये बड़ा खुलासा हो रहा है। पिता ने भी अपनी जो FIR दर्ज कराई है उसमें यही बयान दिया है कि साहिल को वो जानते थे और उससे मिलने से रोकते भी थे। वहीं हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच तेज है। साक्षी की हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद कर लिया गया है। साहिल ने वारदात को अंजाम देने के बाद चाकू को अंधेरे में फेंक दिया था और दिल्ली से फरार हो गया था। आरोपी ने पहले पुलिस को बताया कि उसने चाकू को रिठाला में फेंका था, लेकिन जब वहां सर्च करने पर चाकू नहीं मिला तो पुलिस ने अभी खुलासा किया है कि चाकू किस इलाके से बरामद हुआ है। सुन लेते हैं। नीरज गौड़ हमारे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, तो क्या ये चाकू मिल चुका है, क्या ये खुलासा हुआ है कि ये चाकू कहां से मिला है, या अभी तक ये चाकू जो है एक पहेली बना हुआ है? देखिए शोभना, लगातार जो कि दिल्ली पुलिस की टीम है वो आरोपी साहिल से लगातार पूछताछ कर रही है। उसके बाद उसने जिस लोकेशन के बारे में बताया था वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी पहले, लेकिन वहां पर जब पहुंची तो वहां से पुलिस को चाकू बरामद नहीं होता है। उसके बाद में आज सुबह फिर से दिल्ली पुलिस की टीम जो है आरोपी साहिल के बताए उस जगह पर पहुंची। उसके बाद में पुलिस को वो जो चाकू है जिससे कि साक्षी की हत्या की गई थी बेरहमी से, वो पुलिस ने बरामद कर लिया है और उस पर जो है खून के निशान भी दिल्ली पुलिस को मिले हैं, जिसको कि FSL जांच के लिए भेज दिया है। और उसी के साथ में तमाम जो सबूत है उसको जुटाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की टीम लगातार कर रही है। और इस पूरे केस में सबसे जो अहम है वो है CCTV, और उसके बाद में अहम है वहां पर जो आई विटनेस थे जिनकी आंखों के सामने ये पूरा मर्डर हुआ है, उनके भी बयान जो है दिल्ली पुलिस ने लिए हैं। उसके बाद में पुलिस को जो आलाय कत्ल था वो पुलिस को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज सुबह पुलिस ने वो भी जो है बरामद कर लिया है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जो आरोपी साहिल है उससे पूछताछ कर रही है। वहीं इसी के साथ में जो आरोपी साहिल का जो मोबाइल फोन है उससे भी पुलिस जो है उसको देख रही है और अच्छे से उसकी जांच कर रही है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा इस केस में जो सबूत है उसको जुटाया जा सके। और ये भी पता लगा रही है कि आखिरकार उस वक्त की क्या स्थिति थी जिस वक्त जो है आरोपी साहिल ने साक्षी की हत्या की थी, और उस दौरान जो है नीतू से आखिरकार जो कि साहिल है उसके बीच में क्या चैटिंग हुई थी, और वो सब बातें जो है उनको पुलिस बारीकी से देख रही है। और इसी के साथ जो तमाम सबूत है उसको जुटाने की कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। जी बिल्कुल। नीरज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पिता लगातार कह रहा है कि हाँ साहब साहिल को हम जानते हैं, लेकिन माँ ये मानने को तैयार नहीं है। अब ये नीतू और जो उसकी सहेली नीतू और साक्षी की जो चैट है वो भी सामने आ गई है। उसमें साक्षी साफ साफ कह रही है कि घर वालों ने बंद कर रखा है। एक चैट जो है वो साहिल और साक्षी की भी सामने आ गई है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब पुलिस के पास काफी साक्ष्य मौजूद है इस पूरे मामले से जुड़े हुए। बिल्कुल शोभना, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस को जो आलाय कत्ल था वो नहीं मिला था। उसके बाद में पुलिस को वो हथियार भी मिल गया, और उसके बाद में पुलिस की जो टीम है जो कि परिवार के लोगों ने जो बयान दिया था जिसके आधार पर इस पूरे मामले में FIR हुई थी, और उसके बाद में जब मीडिया ने इनके परिवार के लोगों से बात की थी साक्षी के, तो उन्होंने कहा था कि वो जो है साहिल को नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें जो बयान हुआ है उसमें बताया कि वो जो परिवार जो है वो साहिल को जानता था। तो इस तरीके की बातें जो है अलग अलग कही गई हैं, उसको लेकर के भी दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जो कि जाँच कर रही है, जो कि मीडिया को बयान दिया जा रहा है, उसके बाद में जो परिवार के लोगों ने पुलिस को बयान दिया है उसको लेकर के भी जो पुलिस है वो देख रही है। और
वही मैं आपको बताऊं कि जो आरोपी साहिल है वो भी लगातार दिल्ली पुलिस के सामने जो अपने बयान है वो बदल रहा है, क्योंकि जब जो कि हथियार था जिससे हत्या की गई थी, जब पुलिस उसको देखने के लिए पहुंचती है, उसको बरामद करने के लिए पहुंचती है, तो पुलिस को बरामद नहीं होता है। लेकिन बीती रात जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, उसके बाद में सुबह के वक्त पुलिस जो है उसको रिठाला लेकर के पहुंची, जहां पर उसने बताया था, उसके बाद में पुलिस को उसी लोकेशन से वो हथियार भी पुलिस को बरामद हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के पास में अहम सबूत, पुख्ता सबूत जो है इस आरोपी के खिलाफ वो लगातार जो कि जुटाए जा रहे थे वो कर लिए। जानकारी के लिए Z News।